पेपर लीक से डर लग रहा है सर, पेपर से डर नहीं लग रहा मुझे, पेपर कितने भी हो जाए लेकिन लीक बार बार ऐसे होता रहेगा तो आगे सर के काम कैसे चलेगा सर? नहीं, इस बार लड़कियां तो नहीं है लेकिन ये है कि लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियां बहुत ही अब्सेंट हो रही हैं। अगली बार तो मतलब उसी जिले में था तो कोई दिक्कत नहीं थी, इस बार जिला भी चेंज हो गया तो दूर भी पड़ा काफ़ी। पेपर इजी आया था, कुछ नहीं, बहुत इजी था, बहुत हिंदी भी, रीजनिंग, जी के सब बढ़िया था एग्जाम। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या फ़र्क था, मतलब कुछ क्या? पिछली बार कुछ टफ था, अब की बार पहले मैथ में भी कुछ ज़्यादा था, रीजनिंग भी ज़्यादा टफ आ पिछली बार थी, अब की बार रीजनिंग भी इतनी टफ नहीं थी, वो भी बढ़िया था। जी के वगैरह हिंदी बहुत सरल आ रही थी। इस बार लड़कियां तो नहीं है लेकिन ये है कि लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियां बहुत ही अब्सेंट हो रही हैं। आपके क्लास में भी अब्सेंट? हाँ, मेरे क्लास में तो सबसे ज़्यादा अब्सेंट थे, 8-9 अब्सेंट थे। तो क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह बस दूर सेंटर गया, इतनी दूर लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही है जाने आने में, और बारिश का मौसम है, अब लड़कियाँ अकेले कैसे जा सकती हैं? ये तो कोई साथ में जाए और कोई नहीं जाता तो उसका किसी के साथ आए? हम पापा के साथ। पेपर अच्छा था ना, मतलब इजी था ना, हार्ड था पेपर, अच्छा था, लेवल अच्छा था पेपर का। अगले बार से पेपर अब की पैटर्न भी इसका चेंज हुआ है तो बच्चे इसलिए थोड़ा, आपकी फर्स्ट मीटिंग ही पड़ा था इसलिए और समझ में थोड़ा वो था। पेपर अच्छा हुआ लेकिन हम 125 नंबर अटेम्प्ट किए हैं, 105 नंबर सही हैं। अब पता नहीं, वो तो कट ऑफ के ऊपर होता है। अच्छा, कितनी कट ऑफ जाती है, कैसा क्या सिस्टम है। तो पिछली बार से और इस बार क्या, पिछली बार इस बार से क्या डिफरेंस था पेपर में और वहाँ सेंटर में किस तरह का इंतज़ाम था? इंतज़ाम तो वैसे अगली बार भी अच्छा था और इस बार भी अच्छा था लेकिन ये पैटर्न पैटर्न चेंज था। जैसे रीजनिंग में अगली बार मानसिक अभिरुचि में 14 क्वेश्चन आए थे, अब की एक क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग मानसिक अभिरुचि आया था, बच्चे मानसिक अभिरुचि बहुत सारा पढ़ के गए थे। और अब की जीएस भी काफ़ी थोड़ा मतलब अच्छी लेवल की आई है, अगली बार जीएस थोड़ा यूपी पे ज़्यादा आया था, मतलब उत्तर प्रदेश के लिए अब की वर्ड की काफ़ी आई थी, और हिंदी भी मतलब हिंदी में अच्छी अभी हिंदी भी आई है और मैथ अब की अच्छी आई है। अगली बार वो मानसिक अभिरुचि आ गई थी, अब की सीरीज वीरीज के अच्छे खासी क्वेश्चन आए हैं। इस बार तो बहुत ही प्रॉब्लम हुई, बस वगैरह मिल ही नहीं रही थी, हम लोगों को टैक्सी से आना पड़ा, बस वगैरह मतलब टिकट वगैरह फ्री था लेकिन मिली ही नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी बस पे तो टैक्सी से आना पड़ा फिर हम लोगों को। अगली बार तो मतलब उसी जिले में था तो कोई दिक्कत नहीं थी, इस बार जिला भी चेंज हो गया तो दूर भी पड़ा काफ़ी। पिछली बार के मुकाबले अगर बात करें तो कहीं ना कहीं टफ था इस बार। हाँ, पिछली बार पेपर अच्छा आया था लेकिन किसी ना किसी वजह से वो खत्म हो गया उसका काम। तो पेपर से डर लग रहा है कि पेपर लीक से डर लग रहा है? पेपर लीक से डर लग रहा है सर, पेपर से डर नहीं लग रहा मुझे, पेपर कितने भी हो जाए लेकिन लीक बार बार ऐसे होता रहेगा तो आगे सर के काम कैसे चलेगा सर? हम लोगों को बार बार आना जाना, टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, ना पढ़ाई कर पाएंगे ना कुछ जॉब देख पाएंगे सर।